अस्सलाम वालेकुम। हमने सैम्पलिंग स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी टू टाइप्स होती हैं ना, कौन कौन सी होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी को हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी को हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब जो होती है ना प्रोबेबिलिटी, उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें सबके पास इक्वल चांसेस होते हैं, किसी को भी हम उठा लेते हैं और हर एक के पास इक्वल चांसेस होते हैं कि हमें भी उठाया जाएगा, हमें भी उठा सकते हैं, हमें भी उठा सकते हैं। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि किसी के पास इक्वल चांस नहीं होता, क्योंकि हमने पहले से एक फिगर डिटर्मिन की होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि मेल 60 ईयर्स के उनको ही उठाना है, सिर्फ बाकी सबको नहीं उठाना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दूसरों के पास चांसेज ही नहीं रहते कि हमें उठाया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों होती हैं। अब इनके फर्दर हम टाइप्स देखते हैं। सो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसकी आगे से फोर टाइप्स हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उसकी आगे से फोर टाइप्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जिसकी टाइप्स हैं सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, सिस्टेमिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी को हम बाद में देखते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में देखें कि हमारे सारे ना 12 लोग हैं तकरीबन। 12 लोग क्या हैं, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। फॉर एग्जांपल इतनी छोटी पॉपुलेशन तो वैसे होती नहीं है ना, हो भी सकती है। अब उनमें से हमने सैम्पल्स लेने हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा, हम जस्ट उनको नंबर डिज़ाइन करेंगे, जैसे 1 2, ये 1 बंदा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये वो वाला है, वो जो हमने जीतो पाकिस्तान वाला देखा था ना कि पर्ची डाली और उसमें से किसी का भी निकल आया, तो ये वो वाला है कि सबके पास जो है अपना अपना नंबर होता है। फिर हम उसके लिए एक टाइम टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स होता है, वो हमारे पास होता है, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। और उससे क्या होता है कि हम उसकी वजह से ना हम इसको निकालते हैं फिर सैम्पल्स को। ठीक है, रैंडम नंबर्स इस तरह से होता है कि हर एक को हमने एक नंबर दे दिया। ठीक है, सैम्पलिंग फ्रेम इज़ एक्चुअली द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर हमने हर एक नंबर दे दिया, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स को हमने यूटिलाइज़ किया। उससे क्या हुआ कि हर एक में से किसी का भी चांस है कि किसी का भी निकल आ सकता है। तो फॉर एग्जांपल 2 वाज अ लकी वन, उसका आ गया। फिर 5 वाज अ लकी वन, उसका आ गया। 10 वाज अ लकी वन, उसका आ गया। 8 वाज अ लकी वन, उसका आ गया। मतलब हर एक के पास इक्वल चांस है, किसी का भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है 2, 5, 8, 10 का या 4 का भी आ सकता है, 7 का भी आ सकता है, 9 का भी आ सकता है, 12 का भी आ सकता है। हर एक के पास इक्वल चांस होता है। दिस इज़ एक्चुअली द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और इससे हम बहुत ज़्यादा सैम्पल्स ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे हम सैम्पल्स ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक हो गया। फिर होता है सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग। उसमें देखिए जंपिंग हो रही है, ऐसे जंपिंग हो रही है। ये जंपिंग क्यों होती है, फॉर एग्जांपल ये सारे लोग जो हैं 15 हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 लोग हैं आपके पास। टोटल नंबर ऑफ़ पीपल आपने ऊपर लिख लिए, टोटल पॉपुलेशन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये टोटल 14 या 15 है। तो 15 आपने ऊपर लिख लिया, डिवाइड किया आपने सैम्पल साइज़ कि आपने कितने सैम्पल्स लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 सैम्पल्स लेने हैं, तो आप 5 को नीचे लिख दोगे तो 5 3 times 15 3 आएगा। तो आप एवरी 3 पर्सन को चूज़ करोगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला वाला आप खुद ही सिलेक्ट करते हो, यहाँ से स्टार्ट हो जाओगे। उसके बाद एवरी थर्ड 3 3rd 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 ऐसे कर करके आप जंपिंग की फॉर्म में सैम्पल लेते हो। 3rd 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 दो दो छोड़ के आप लेते जाते हो। दिस इज़ एक्चुअली द सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें क्या होता है प्री डिटर्मिंड सिस्टम होता है। आप रेगुलर इंटरवल्स पे लेते हो। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में लिखा हुआ है कि टोटल पॉपुलेशन आपकी 100 है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे तो 100 पॉपुलेशन का मैं एग्जांपल नहीं दे सकती, 100 पॉपुलेशन है, 100 लोग हैं पॉपुलेशन में। आपने उसमें से सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग करनी है। आपको कोई कह देता है सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग करो, आप क्या करोगे टोटल पॉपुलेशन जो 100 है उसको डिवाइड करोगे जितनी आपको सैम्पल्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो अकॉर्डिंग टू बुक के 10 सैम्पल्स चाहिए मुझे, आप क्या करोगे 100 जो पॉपुलेशन होगी उसको डिवाइड करोगे 10 सैम्पल जो आपको चाहिए। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर आपके पास क्या आ जाएगा, सैम्पल इंटरवल आ जाएगा। सैम्पल इंटरवल क्या होगा, 10 होगा। तो आप 100 में से क्या करोगे, एवरी 10th नंबर चूज़ करोगे। पहला वाला आप ले लोगे, कोई भी सिलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल आप सिलेक्ट कर लेते हो 4। ठीक है, पहले में से आप 4 सिलेक्ट कर लेते हो। अब एवरी 10th आप लोगे 4 by 14 24 34 44, जब तक आपका 100 की तरफ नहीं आ जाता, 54 64 74 84 94, इस तरह से। तो फिर आपके पास ये सैम्पल्स आ जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट होती है थर्ड टाइप, विच इज़ अ क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप ना ग्रुप्स बना लेते हो। क्लस्टर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये विलेज ए के लोग हैं, ये विलेज बी के लोग हैं, ये विलेज सी के हैं, ये विलेज डी के हैं, ये विलेज ए के हैं, ये विलेज एफ के हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि ये सियालकोट के लोग हैं, ये लाहौर के लोग हैं, ये कराची के लोग हैं, ये इस्लामाबाद के लोग हैं, ये मड़ी के लोग हैं, ये इसके लोग हैं। मतलब इस तरह से ना आपने इनको क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे विलेजेस की एग्जांपल दे रही हूँ, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ए का ये विलेज का ये है लोग, 3 लोग हैं। 3 लोग तो नहीं होते, ज़्यादा ही लोग होते हैं, लेकिन आपने उसमें से पॉपुलेशन ली है ना।
तो ये ई लोग हैं, ये एफ़ लोग हैं, एफ़ के हैं ये, इसके इससे क्लस्टर्स बन गए हैं। कितने क्लस्टर्स बन गए हैं? 6 क्लस्टर्स बन गए हैं। अब आपने उसमें से सैंपल लेना है, तो आप क्या करोगे, क्लस्टर्स में से सैंपल्स लोगे। अब वो क्लस्टर्स जो आपने बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा लेते हो ताकि आपकी अच्छी सैम्पलिंग हो सके। ठीक है, वही हो गया। आपने अब देखना है कि किस शहर के लोग हैं, किस विलेज के लोग ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, वैसे तो आप इसके लिए नहीं सैम्पलिंग करते, आप मेडिकल में कोई और सैम्पलिंग करते हो, आप अच्छे बुरे को देखने के लिए नहीं करते। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने देखना है कि किस शहर के लोग हैं, किस गाँव के लोग ज़्यादा अच्छे हैं, तो आपने उसमें से सैम्पल्स लेने होते हैं कि उनको सेलेक्ट करना। ठीक हो गया, तो अब आप क्या करोगे, इसमें से जो क्लस्टर सैम्पलिंग आपने की है उसमें से आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कर सकते हो, सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग भी कर सकते हो। सिंपल में क्या करोगे, हर एक के पास इक्वल चांस होगा, मतलब हर एक के पास इक्वल चांस होगा कि हमें भी उठाया जा सकता है, हमारे ग्रुप में से, हमारे विलेज से भी लोग उठाए जा सकते हैं, हमारे विलेज से भी लोग उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमिक में क्या करोगे, आप उसी तरह सिस्टमिकली आप टोटल पॉपुलेशन देखोगे, टोटल ग्रुप्स ऊपर रखोगे, डिवाइड करोगे जितने आपको सैम्पल्स चाहिए, डिवाइड करोगे जो आपके पास इंटरवल आएगा उसके लिहाज से आप ग्रुप को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 6 ग्रुप्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे 6 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, तो आप ऊपर 6 लिख दोगे फॉर एग्जांपल, और डिवाइड कर दोगे आप कि आपको 2 सैम्पल्स चाहिए। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 3 आएगा, तो आप एवरी थर्ड को चूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, तो आप एवरी थर्ड को चूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल यू विल चूज़ 3 हियर, 3 एवरी थर्ड, दिस वन एंड दिस वन, तो आप 3 और 6 को चूज़ करोगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है किसको, 1 को, सबसे पहले उन्होंने 1 को चूज़ किया, उसके बाद उनका ये वाला निकल आया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि आप जो है ये इन्होंने इस तरह, वैसे आपके पास एग्जांपल दिए, लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में आप पहले ग्रुप्स बनाते हो, ग्रुप्स बना के उसमें से सिंपल या सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग करते हो। आई होप इसका क्लियर हो गया होगा आपको। ये भी एक एग्जांपल है क्लस्टर सैम्पलिंग की, क्लस्टर्स आपने बनाए हुए हैं, 1 क्लस्टर, 2 क्लस्टर, 3 4 5 ग्रुप्स बनाए हुए हैं ना, 6 7 8 9 10, टोटल 10 आपके पास है। फिर उसमें से आपने सिंपल या सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग करके आपने उन क्लस्टर्स में से पूरे पूरे ग्रुप्स को चूज़ कर लिया। ठीक है, ऐसे करके तो आपके पास 4 सैम्पल्स आ गए, फॉर एग्जाम्पल पूरी पॉपुलेशन में से। सो दिस इज एक्चुअली द क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसमें ग्रुपिंग की फॉर्म में सैम्पल्स लेते हो। जो फोर्थ इसकी टाइप होती है ना, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग, हमेशा याद रखना, दिस इज़ द बेस्ट मेथड। कैसे बेस्ट, अभी आप खुद देखोगे और आप कहोगे कि दिस इज़ एक्चुअली द बेस्ट वन। किस तरह से, ये पूरी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को आपने स्ट्रेटा में डिवाइड कर लिया। फॉर एग्जांपल आप ये सोच रहे हो कि जो ग्रीन कलर वाले हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर के लोग हैं ना, वो फॉर एग्जांपल जो है इस एज के लोग हैं। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लो, दे 20 ईयर्स के लोग हैं ग्रीन वाले, ब्लू वाले 40 ईयर्स के लोग हैं, जो हैं ये पिंक वाले ये 50 ईयर्स के लोग हैं, और जो हमारे पास हैं ये वाले ये 60 ईयर्स के लोग हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से क्या करते हो कि हर एक को ना आप मतलब हर एक ग्रुप्स इस तरह से पॉपुलेशन आपने ली, उसके स्ट्रेटा बना लिए। स्ट्रेटा मींस कि उनको आपने सेट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, इस वजह से इसको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है कि आप इसमें स्ट्रेटा सब ग्रुप्स बनाओगे। पहले आपने ग्रुप बनाया, उसके सब ग्रुप्स बनाए। ठीक है, ये पॉपुलेशन थी, आपने उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया, फिर उनके सब ग्रुप्स बनाए। सब ग्रुप्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने, मैंने यहाँ पे एज के लिहाज से डिवाइड किया, आप सेक्स के लिहाज से भी कर सकते हो, रिलीजन के लिहाज से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो ग्रीन वाले जो हैं वो मुस्लिम्स हैं, ब्लू वाले क्रिश्चियंस हैं, पिंक वाले हिंदूज हैं, ब्लैक वाले जो हैं वो किसी और रिलीजन के हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी और रिलीजन ले लें। ठीक है, एथिस्ट्स हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये इकोनॉमिक स्टेटस के लिहाज से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ग्रीन वाले आप कहते हो बिल्कुल ही लो इकोनॉमिक स्टेटस है, ब्लू वाले दरमियाने वाले हैं, पिंक वाले उससे ऊपर वाले हैं, ग्रीन वाले उससे, ब्लैक वाले उससे ऊपर वाले हैं। ठीक है, और एज वाले मैंने आपको बता दिया। सेक्स भी आप कर सकते हो कि ये फीमेल्स हैं, ये मेल्स हैं, ये इंटरसेक्स लोग हैं, इस तरह से। तो आपने उनको स्ट्रेटा में डिवाइड कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने रैंडम सिलेक्शन कर ली कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ग्रीन वालों को 20 ईयर्स का लोग कहा था, तो उसमें से आपने रैंडम सिलेक्शन कर ली। ये देखें, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो सकती है या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो सकती है जो आपने पीछे किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हो, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, मतलब 20 ईयर्स के लोगों में से आपने चूज़ कर लिए। फिर 40 ईयर्स के लोगों में से आपने इसको चूज़ कर लिया, इसको ये चूज़ हो गया, ये चूज़ हो गया। फिर 50 ईयर्स के लोगों में से ये दोनों चूज़ हो गए, ये दोनों चूज़ हो गए, चांसेस की बेस पे। ठीक है, आपने अभी नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं गए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हो। और फिर 60 ईयर्स के लोगों में आपने ये मतलब हर एक एज ग्रुप में से सैम्पल्स लिए जा रहे हैं, और फिर उनके सैम्पल्स बन गए। ठीक है, इसमें से ये सैम्पल निकल गए, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से। तो ये आपके पास ज़्यादा अच्छा मेथड है ना, जिसमें आपके होते हैं ना, ऐसे होगा कि क्लस्टर सैम्पलिंग में आप पूरा पूरा ग्रुप ले रहे थे, तो वो भी आपके पास इतना अच्छा मेथड नहीं था ना।
और इस तरह से। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि पहले हम पॉपुलेशन को लेते हैं, उसको हम स्ट्रेटा में सब ग्रुप्स में डिवाइड, और फिर हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं सिंपल या स्ट्रेटिफाइड, और उसके बाद हमारे पास सैंपल आ जाता है, सिंपल सी बात है। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि दिस इज़ द सिस्टमिक वे, सो दैट इट इज़ अ सिस्टमिक वे ऑफ सैम्पलिंग, सो दैट ईच पोर्शन ऑफ द सैम्पल गेट्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि हर सैंपल जो हमने लिया है उसमें से हर एक को रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ग्रीन वालों को हाली चूज़ कर लेते हैं, तो ये ब्लैक वाले कहेंगे हमें क्यों नहीं चूज़ किया, हमारी क्या गलती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमने तो सब में से लिया है, अब तुम्हारी अपनी किस्मत है, इस तरह से बात होती है। अब आ जाता है नेक्स्ट, तो आप इनके नाम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या डिस्कस किया, सिंपल रैंडम, सर्टिफाइड रैम्बलिंग, सिस्टम, सिस्टमिक रैम्बलिंग, सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। यहाँ पर भी देख लें, सिंपल रैंडम में क्या है, हर एक के पास इक्वल चांस था, सिस्टेमिक में जंपिंग कर रहे थे हम, स्ट्रेटिफाइड में क्या था, हर ग्रुप में से सिलेक्शन हुई है। ठीक है, क्लस्टर में क्या है, पूरा पूरा ग्रुप ले लिया गया है, दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देम ऑल। नेक्स्ट इज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें किसी के पास इक्वल चांस नहीं होता कि मतलब कि किसी के पास, हर एक के पास इक्वल चांस नहीं होता कि हमें जो है ना उठाया जाएगा। ठीक है, देर इज़ नो एश्योरेंस दैट ईच एलिमेंट विल हैव द सेम चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल। फॉर एग्जांपल ये कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें ही उठाना है, बाकी सब कहते हैं हाँ इसको उठा लो, मतलब वो खुश हो जाते हैं ना, या वो कहते हैं मैंने सिर्फ तुम्हें ही उठाना है, तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं उठाना, तो बाकी के पास कुछ चांस ही नहीं रह जाता, क्योंकि उसने मशीन ने कहा है कि मैंने बस इसी पर्सन को उठाना है। ठीक है, तो बाकी लोगों के पास चांस ख़त्म हो गया। ठीक है, चांस बाकी लोगों के पास है ही नहीं है, क्योंकि उसने पर्टिकुलर इसी बंदे को उठा के लेके जाना था। ठीक हो गया, अब जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, इसकी फोर टाइप्स होती हैं, प्रपोजिव सैम्पलिंग, ठीक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जिसको आप कहते हो, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हो, नेक्स्ट इज़ अ स्नोबॉल सैम्पलिंग, नेक्स्ट इज़ अ कोटा सैम्पलिंग। तो ये आपको आनी चाहिए टर्म्स, देख ले। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, इसकी एग्जांपल ये होती है कि इसको हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक लेक्चर हॉल में चले गए और हमें किसने कहा था कि वहाँ से ना एक्सीडेंटल सैम्पलिंग करके आओ, तो हम क्या कहते हैं, ये जो पहले 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना, ये सारे आ जाए, और बाकी के पास किस चांस ही नहीं है, चांस ख़त्म हो गया। मतलब कि हमने क्या किया कि एक्सीडेंटल सैम्पलिंग की, कि पहले जो 20 स्टूडेंट्स इन द लेक्चर हॉल उनको लेके आओ। ठीक है, तो हैफ़ज़र्ड फैशन में उठा दिया, हम ये भी कह सकते हैं कि जो लास्ट रो है वो आ जाए, या ये वाली रो आ जाए, मतलब हर एक के पास कोई चांस नहीं है। हमने क्या किया कि हमने एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कर ली, एकदम से हमने सैम्पलिंग कर ली। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो बिल्डिंग के अंदर बच्चे हैं, ठीक है, कुछ बिल्डिंग के अंदर हैं, कुछ कहीं पे हैं, कुछ घर में हैं, कुछ ये हम कहते हैं जो प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं ना, बस उनको ही लेके आओ, उनका सैंपल लेना है हमने बस। तो अब मतलब कि ओवरऑल पॉपुलेशन का हमने नहीं लिया, जो प्लेग्राउंड में खेल रहे थे बच्चे, बस उनका सैंपल हमने ले लिया कि स्टूडेंट्स इन द प्लेग्राउंड, बस उनको ही लेके आओ, और किसी को हमने सैंपल में इंक्लूड नहीं करना। दिस इज़ द एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, दिस इज़ अ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लेते हैं हैफ़ज़र्ड फैशन में, और ये कोई रिप्रेजेंट नहीं करता किसी चीज़ को, क्योंकि मतलब कि इसमें से फॉर एग्जांपल ये सारे फ्रेंड्स ही बैठे हुए थे, तो एक जैसे ही फ्रेंड्स होते हैं, मतलब एक साथ ही फ्रेंड्स बैठी होती हैं, तो वो तकरीबन एक जैसी ही होती हैं ना, और वो वाली फ्रेंड्स जो हैं वो पीछे बैठी हुई वो एक जैसी होती हैं। तो अब रैंडमली अगर हम उठाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है कि रैंडमली हम बच्चों को उठा लेते हैं, हर एक रो में से एक एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर लें, या जंपिंग के फॉर्म में सैम्पलिंग कर लें, या क्लस्टर्स की फॉर्म में सैम्पलिंग कर लें, ठीक है, ऐसे करें, या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर लें, वो ज़्यादा मेथड अच्छा था, या ये वाला ज़्यादा अच्छा है कि पहले वाले 20 आ जाओ। ठीक है, तो इससे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती कि वो क्लास को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि पहले वाले जो 20 लोग होंगे वो शायद एक जैसे ही हों, ठीक है, और पीछे वाले जो बैक बेंचर्स होते हैं वो आपको पता है वो एक जैसे होते हैं, लेक्चर को ध्यान ना सुनने के लिए पीछे बैठ जाते हैं इस तरह से, और पहले वाले जो पहले लाइन के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, इस तरह से। मतलब दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट मेनली कि एक्सीडेंटल सैम्पलिंग इज़ जस्ट एक्सीडेंटल, ठीक है, उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी किसी चीज़ की, क्लास की या बच्चों की। नेक्स्ट आता है जजमेंटल सैम्पलिंग, इसको हम पर्पजिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो सैम्पल्स होते हैं ना वो हम ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चर्स नॉलेज एंड जजमेंट चूज़ करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ रिसर्चर और ये पॉपुलेशन है, इसने सैम्पल लेना है रिसर्चर ने, तो ये क्या करेगा, अपनी जजमेंट अपने नॉलेज के लिहाज से लेगा। फॉर एग्जांपल वो ऐसे लोगों को लेगा जो उसके जो रिसर्च क्वेश्चंस उसने तैयार किए हैं ना उनको अच्छी तरह जवाब दे पाएंगे, और उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, नीड्स हैं अबाउट हिज रिसर्च, उनका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ रिसर्चर एंड यू गोइंग टू रिसर्च, मतलब रिसर्च टॉपिक, और आपको लगता है कि ये लोग जो है ना जिनको मैं चूज़ करूँगा ये ज़्यादा अच्छा मेरी रिसर्च का आंसर दे पाते हैं, तो उन लोगों को वो चूज़ कर लेगा। दिस इज़ एक्चुअली द जजमेंटल सैम्पलिंग। ठीक है, तो उसको लग रहा था ये चार जो लोग हैं ना ये अच्छे ज़्यादा आंसर देंगे मेरे रिसर्च क्वेश्चन के, तो उसने इनको चूज़ कर लिया, तो इसको हम जजमेंटल सैम्पलिंग या कन्वीनियंस सॉरी पर्पजिव सैम्पलिंग कहते हैं।
नेक्स्ट इज़ द स्नोबॉल सैम्पलिंग। जैसे स्नोबॉल होता है ना कि वो जैसे जैसे आगे जाता जाता है उसका साइज़ इंक्रीज होता जाता है होता जाता है, इसी तरह ये वाली सैम्पलिंग मेथड होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs एंड SCQs, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। होता क्या है कि अब ये रिसर्चर है, इसने रिसर्च करनी है, ठीक है, मतलब रिसर्चर है, उसने रिसर्च की एक बंदे से, ये पहला बंदा था। उसके बाद इस बंदे ने दूसरे बंदे का बताया कि ये भी है, ये भी है, फिर इसने आगे से अपनी फ्रेंड्स का बता दिया, इसने आगे से अपने फ्रेंड्स का बता दिया, फिर इन्होंने आगे से अपने अपने फ्रेंड्स का बताया। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं तो सैंपल का साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। पहले एक बंदा था, फिर दो बंदे हुए, फिर तीन, तीन छः हो गए, फिर ये सारे इतने ज़्यादा हो गए। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आगे जाके इतना बड़ा सैंपल हो जाएगा। जब उसको लगेगा रिसर्चर को कि अब मेरा सैंपल साइज़ अचीव हो गया, इतना ही होना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि अब स्नोबॉल सैंपलिंग में कि उसका सैंपल साइज़ जब अचीव हो जाता है तो वो अपने सैंपल को पकड़ता है और उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देता है। दिस इज़ एक्चुअली द स्नोबॉल सैंपलिंग, जिसमें रेफरल्स के थ्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल एक प्रोस्टिट्यूट था, मतलब प्रोस्टिट्यूट होती है ना, मैं प्रोस्टिट्यूट की एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि प्रोस्टिट्यूट को HIV एड्स होती है ना, तो उनके पास जाके हमने उनको रिसर्च की, तो आगे से उन प्रोस्टिट्यूट्स ने बताया कि ये फलां फलां उनसे मिलते हैं, तो वो हम उनके पास चले जाएंगे, फिर वो बताएंगे कि हम उनसे मिलते हैं। तो इस तरह से हम आगे जाते जाते हम प्रोस्टिट्यूट्स का आगे से HIV को एक्चुअली सैम्पल्स लेते जाएंगे लोगों के, जो HIV एड्स इनको हो सकती है ना, स्क्रीनिंग वगैरह के लिए। तो दिस इज़ एक्चुअली द कि हमने क्या करना है कि HIV को डिटेक्ट करना है प्रोस्टिट्यूट्स में, और आगे से उनसे रेफरल्स लेते लेते अपने सैंपल साइज को चूज़ करना है और सैंपलिंग करनी है। दिस इज़ अ स्नोबॉल सैंपलिंग, जस्ट लाइक हेयर रिसर्चर्स रिक्रूट द इनिशियल सब्जेक्ट्स, ठीक है, और फिर इनिशियल सब्जेक्ट्स आगे से बताएंगे और जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो आगे से बताते जाएंगे, तो ये सैंपल साइज इंक्रीज़ होता जाएगा। नेक्स्ट इज़ द कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हम एक अपनी जो है ना पहले से प्री डिटर्मिनेड फिगर रख लेते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में आपको नॉन परपेसिव का बताया था कि मेल्स अबव 40 है, पूरी पॉपुलेशन है, इसमें डिफरेंट एज के लोग हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो मेल्स अबव 40 है ना, बस उनको ही हमने अपने सैम्पल में लेना है। दिस इज़ एक्चुअली द कोटा सैम्पलिंग, ठीक है, जिसमें हम अपनी मर्जी का जो है वो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और आपकी एग्जाम्पल दिया कि एक क्लास है उसमें 60% फीमेल्स हैं और 40% मेल्स हैं, तो आप क्या करते हो कि 60% फीमेल्स में से जो है आप गर्ल्स में से 30 फीमेल्स ले लेते हो, गर्ल्स ले लेते हो, और 40% में से आप 20 बॉयज़ ले लेते हो, ठीक है, और अपनी स्पेसिफिसिटी आपने रखी होती है कि इतने ही सैम्पल्स मैंने लेने हैं। सो दिस इज़ अ कोटा सैम्पलिंग, और ये इतनी अच्छी सैम्पलिंग टेक्निक नहीं है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया, पर्पसिव सैम्पलिंग और कन्वीनियंट सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग को हम जो दूसरा नाम देते हैं दैट इज़ द एक्चुअली द जजमेंटल, और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग का आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी कहते हो, और ये आपने दूसरे नेम्स भी इनके याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ना इनकी डिफरेंस देखनी है कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होता है ना। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ये इसमें क्योंकि चांस हर एक पास इक्वल होता है तो इसके पास बाइस ही नहीं होती कि हम किसी के तरफ नहीं होते, मिनिमल बाइस होता है। और ये है कि ये हमें एस्टिमेशन बताता है सैम्पलिंग एरर का, आगे हम देखते हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है ना, तो वो हमें बताता है एस्टिमेट करने में से बताता है। उसके बाद यह कि रिजल्ट्स को हम जनरलाइज कर सकते हैं, ये ज़्यादा ऑथेंटिक है। एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज, तो ये है कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, इनकन्वीनियंट भी है कि पहले हम स्ट्रेटा बनाएं, फिर ये करें, फिर वो करें, और इस तरह से तो टाइम ज़्यादा लगता है ना, इनकन्वीनियंट है और प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो फिर हम उसके कैसे स्ट्रेटा बनाएं, फिर हम उनकी कैसे रैंडम सैम्पलिंग करें, तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट वन। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एडवांटेजेस क्या होंगे, वही जो उसके डिसएडवांटेजेस थे। उसके डिसएडवांटेजेस क्या थे कि वो ज़्यादा महंगा था, तो नॉन प्रोबेबिलिटी इज़ इकोनॉमिकल, महंगा नहीं है, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था प्रोबेबिलिटी, तो ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, वो ज़्यादा इनकन्वीनियंट था, ये कन्वीनियंट है, उसमें इसमें स्किलफुल, इसमें इतनी स्किल भी नहीं चाहिए होती, ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी में। उसके बाद ये है कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, जो उसके एडवांटेजेस थे, उसके एडवांटेजेस क्या थे प्रोबेबिलिटी के, वो बाइस उसमें कम हो रही थी, यहाँ पे बाइस ज़्यादा है, वहाँ पे रिजल्ट जनरलाइज हो सकते थे, यहाँ पे नहीं हो सकते, वो ज़्यादा ऑथेंटिक था, ये लेस ऑथेंटिक है, ठीक है, मतलब इसमें सैम्पलिंग एरर्स ज़्यादा होंगे। फिर आपकी बुक में लिखा हुआ है जो सैम्पलिंग एरर्स हो सकते हैं उसमें से मैंने आपको तीन तो बता दिए थे कि ऑब्जर्वर वेरिएशन हो सकते हैं, जो कि हमने BP प्रैक्टिस पे देखा था, इंट्रा और इंटर ऑब्जर्वर। दूसरा हमने देखा था कि सब्जेक्ट वेरिएशन हो सकती है, जिसको हम बायोलॉजिकल या नेचुरल वेरिएशन भी कहते हैं। और तीसरा फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एरर्स हो सकते हैं, वो मैंने आपको तीन बता दिए थे ना स्क्रीनिंग करवाते हुए। दूसरे ये हो सकते हैं कि साइज़ का एरर हो सकता है, कि साइज़ जो है वो हमने प्रॉपर ना लिया हो, ठीक है, सैम्पलिंग साइज़ क्योंकि ज़्यादा होना चाहिए ना, इस वजह से अगर हमने साइज़ प्रॉपर नहीं लिया, सैम्पल साइज़ अगर छोटा हो तो उसमें यह है कि इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। और तीसरा पांचवा जिसका होता है सैम्पलिंग एरर हो सकता है, वो इनकम्प्लीट कवरेज होती है। फॉर एग्जांपल, आपने 100 सैम्पल्स
100 जो है वो लोग लेने थे ना, तो उसमें से 95 फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव थे, उन्होंने आपकी हेल्प कर दी, क्वेश्चनर सॉल्व कर दिया। 5 लोग जो है वो लेज़ी थे, उन्होंने कहा हमने तो नहीं सॉल्व करना। तो आपका 100 सैम्पल था, 100 लोगों का आपने स्टडी करना था, लेकिन उसमें से 5 कोऑपरेट ही नहीं करते, तो दिस इज़ इनकम्प्लीट कवरेज। ठीक है, आपकी कोऑपरेशन नहीं कर रहा आपके साथ। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है दो चीज़ों का, इवेलुएशन ऑफ द स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स एंड द नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। इसमें क्या होता है कि सैम्पल का जो आपने पॉपुलेशन का जो आपने सैम्पल लिया है उसको आपने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना होता है। एक को आपने जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या जिसमें आपने ट्रीटमेंट अप्लाई करना है उसको आप सेलेक्ट करते हो, और दूसरा कंट्रोल ट्रीटमेंट रखते हो कि जिसको आप कोई वो ट्रीटमेंट नहीं देते। आप चेक करते हो कि आउटकम उनका क्या आ रहा है ना, कि जिसको आपने ट्रीटमेंट दिया है उसका आउटकम क्या है, जिसको आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया उसका क्या आउटकम है। तो दिस इज़ एक्चुअली द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। इससे आपको पता चल रहा है इसके नाम से कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स मीन्स दैट कि इसमें कंट्रोल ग्रुप होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेयर ऑल्सो के ये पेशेंट्स थे, उसमें से आपने क्या किया, सैम्पल्स ले लिए पेशेंट्स के, उसके बाद आपने एक को ट्रीटमेंट दिया, दूसरे को आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसको कंट्रोल ग्रुप कहते हो, और फिर उनका फॉलोअप चेक किया कि जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हो उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको फिर आपने रिजल्ट को कंपेयर कर लिया। सो हेयर हैव द कंट्रोल ग्रुप, इस वजह से हम क्यों होते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, के रैंडम हमने सिलेक्शन की लोगों की, उनके ऊपर कंट्रोल्ड ग्रुप के साथ इस तरह से उनको कंपेयर कर लिया। अनकंट्रोल ट्रायल्स में क्या होता है कि कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, उसमें हम कंट्रोल ग्रुप के बगैर ही स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये स्टडी कर रहे होते हैं कि हम स्क्रीनिंग का, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये चेक करने के लिए कि उन लोगों की जिन्होंने हमें स्क्रीनिंग की होती है उनको, जिनकी हमने स्क्रीनिंग की होती है, क्या वो स्क्रीनिंग की वजह से उनकी लाइफ ज़्यादा हुई है, सर्वाइवल ज़्यादा हुआ है या नहीं, वो जो लीड टाइम के साथ मैंने आपको बताया था। सो दिस वाज़ द अनकंट्रोल ट्रायल, कि जिसमें हम एक तरह के लोगों को स्टडी कर रहे होते हैं, किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे होते, इस वजह से हमको अनकंट्रोल ट्रायल्स कहते हैं, जिसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ स्क्रीनिंग एंड सैम्पलिंग।